बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्लाह की फजल से, अल्लाह के करम से। आइए आज आपको मैं अपने चैनल पे भुना हुआ गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम अपने चैनल पे बना रहे हैं भुना हुआ गोश्त। आइए देखते हैं भुना हुआ गोश्त कैसे बनाते हैं और इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है। ये 1 किलो मटन गोश्त है मेरे पास, 1 किलो मटन है। ये मेरे पास जीरा पाउडर है, ये मेरे पास हल्दी 1 टेबल स्पून, ये 1 टेबल स्पून गाढ़ा मिर्च, 1 टेबल स्पून मेरे पास है लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून मेरे पास नमक, ये मेरे पास है 1/2 टेबल स्पून जवैत्री, ठीक है जवैत्री, ये 7 से 8 मेरे पास है टमाटर, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब इसमें डाल दिया हमने, मैंने कुकर में बनाना है ये 10 मिनट, इसको प्रेशर देना है, इसलिए आपको मैं दिखा रही हूँ इसमें रेचकी में नहीं बनानी है, कुकर में मैं बना रही हूँ। मैंने 1/2 कप ऑयल डाल दिया, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया आपने 1 चम्मच, ये तो गोश्त ने अपना कलर चेंज कर लिया। अब आप इसमें डालेंगे ये काला नमक 1/2 टेबल स्पून, ये हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, ये गरम मिर्च 1 टेबल स्पून, ये नमक 1 टेबल स्पून, ये सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, ये लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, ये जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, ये जवैत्री 1/2 टेबल स्पून। अब ये आप 5 मिनट तक भुनाई करेंगे, उसके बाद मिलते हैं। ये गोश्त मेरा भून चुका है, अब आप इतना बॉल करके टमाटर इस पर डाल देंगे। अगर आप टमाटर ना डालना चाहें तो आप ना डालें, मैंने टमाटर डाला है। अब इसे 1/2 कप पानी डालूंगी, इसे 10 मिनट तक प्रेशर दे। टमाटर भुने हुए गोश्त में टमाटर ना डालें, आपकी मर्जी है, डालें तो भी थोड़ी सी ग्रेवी बनेगी, इसलिए मैंने ये टमाटर डाल दिए। 3 से 4 टमाटर डाल दिए, 2 टमाटर मैंने निकाल दिए, 4 टमाटर मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब मैं इसे दे दूंगी 10 मिनट के लिए प्रेशर, उसके बाद इसकी भुनाई करेंगी, फिर आपसे मिलेंगे। देखें भुना हुआ गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें गोश्त भी हड्डी से अलग हो चुका है। ये भुना हुआ गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपसे आपको दिखाते हैं। ये आज की रेसिपी मेरी भुना हुआ गोश्त ये रेडी हो चुका है। ये देखें टमाटर ना डालें, आपकी मर्जी है डालें, हमारे घर में तो थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए होती बच्चों को, इसलिए मैंने उस हिसाब से डाला है। वैसे आप नहीं डाल सकते, इसको स्लिप भी कर सकते हैं आप। और ये रेडी हो चुकी है। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी भुने हुए गोश्त की अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। कल फिर नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।